वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए माइक्रोवेव से रिलेटेड एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि प्लीज़ ये रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पर पफ पैटीज़। देखिए, कभी ना कभी हम सभी ने ये ज़रूर खाई होगी। एकदम खस्ता, क्रंची और क्रिस्पी, आप आवाज़ सुन के ही पता लगा सकते हैं कि कितनी बढ़िया यहाँ पर हमारी ये पैटी बन के तैयार हुई है। बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। इसको बनाएंगे हम माइक्रोवेव में। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर रेसिपी को। तो पफ पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप मैदा, ग्राम में कहेंगे तो ये 150 ग्राम मैदा है। उसके बाद डालेंगे हम 1/2 टीस्पून के करीब नमक और उसके बाद डालेंगे अजवाइन। अजवाइन भी हमें 1/2 टीस्पून ही डालना है, ध्यान रखिएगा। आगे बताऊँगी कि अजवाइन हमें कम क्यों डालना है, उसका भी एक कारण है। बस थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और डाल देंगे मैदा के अंदर ताकि जो है अजवाइन का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। उसके बाद डालेंगे हम मैदे में यहाँ पर 3 चम्मच घी। अब हमें इसे मुयान लगाना है, जैसे हम गुजिया या समोसे के लिए आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और इस तरीके से हम हाथ से अच्छे से घी और मैदा को मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक जो है मैदा क्रम्बल टेक्सचर में ना आ जाए। तो ये देखिए, अगर इस तरीके से इकट्ठा हो जाए, गोला बन जाए हाथ में लेके, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है हमारा मुयान एकदम रेडी है। तो यहाँ पर आप पैटीज़ का आटा लगा लेते हैं। जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप से मैं पानी ले रही हूँ। ध्यान रखिएगा, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और आटा हमें इसका ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ लगाना है। हमें ऐसा लगाना है जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं। अगर आटा बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया तो जो इसकी परतें हैं वो प्रॉपर नहीं निकलेंगी और खस्ता भी नहीं होगा पैटीज़। और अगर बहुत हार्ड हो गया तो जो पैटीज़ है हमारी वो बहुत ज़्यादा उसकी ऊपरी परत हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आटा हमें तैयार करना है। आटा लग चुका है पैटीज़ का, तो कवर करके रख देते हैं आटे को हम कम से कम आधे घंटे के लिए ताकि जो है आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा हमारा सेट होता है तब तक हम यहाँ पर फिलिंग तैयार कर लेते हैं पैटीज़ की। आलू की फिलिंग बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पैन में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच तेल। इसमें डाल देंगे जीरा 1/2 चम्मच और उसके बाद 1 बारीक कटी प्याज डालेंगे और 1 हरी मिर्च। थोड़ा सा भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, ध्यान रखिएगा, गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं, बस थोड़ा सा। और यहाँ पर आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का जो टेस्ट है पैटीज़ के अंदर बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर प्याज भून चुकी है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है अदरक और लहसुन। 2-3 कलियाँ मैंने लहसुन लिए, छोटा सा टुकड़ा अदरक ग्रेट कर लिया था और इसको भी मैंने भून लिया है। अब डालूंगी मैं इसके अंदर फ्रेश हरी मटर। यहाँ पर मैंने कच्ची मटर ली है, आप चाहें तो बॉयल मटर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा भून लेंगे हम यहाँ पर। अब डालेंगे हम मसाले। तो सबसे पहले डालूंगी मैं 1/2 चम्मच हल्दी। अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और अब मेन जो है इसका इन्ग्रीडियंट वो है अमचूर पाउडर। 1/2 चम्मच डाल दिया है मैंने अमचूर पाउडर। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप डाल सकते हैं नींबू का रस या इमली का पल्प। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने मटर कच्ची ली है तो थोड़ा सा हम इसको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो मैं क्या करूँगी कि इसको कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट तक के लिए पैन को, और उसके बाद जो है मटर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मटर हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हम नहीं गलाएंगे मटर को। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 बॉयल्ड आलू मैश कर लिए थे, इनको मैंने ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ें ताकि आपस में अच्छे से कोट हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर आप पनीर की फिलिंग बना सकते हैं, या आजकल जैसे मटर का सीजन है तो आप मटर ही मटर बॉयल करके उसकी फिलिंग इस तरीके से बना सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप वही डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी फिलिंग ये देखिए एकदम तैयार है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और बस यहाँ पर हमारी जो फिलिंग है वो ऑलमोस्ट तैयार है। तो निकाल लेते हैं हम एक बाउल के अंदर इसको, और इसके बाद हम करेंगे इसे ठंडा, और ठंडा होने के बाद हम भरेंगे इसको पैटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर ये जो हमारी फिलिंग है ये हो गई रेडी, तो इसको एक साइड रख देते हैं।
अब फटाफट से बना लेते हैं हम यहाँ पर पैटीज़ के शीट के लिए घोल। तो मैं एक कटोरी में डाल रही हूँ यहाँ पर 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये खाने वाली चम्मच है, और इसी चम्मच से हम डालेंगे यहाँ पर 6 चम्मच घी। ये देसी घी है, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। और बस इसका हम एक घोल बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का घोल भी तैयार कर सकते हैं, पर कॉर्नफ्लावर से क्या होता है ना, परते बहुत अच्छी आती है पैटीज़ पे, उसकी शीट बहुत अच्छी बनती है। तो बस ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, इस तरीके की होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये थिक है तो इसमें 1 चम्मच घी और डालिए और इसको इस तरीके की कंसिस्टेंसी में ला दीजिए। तो यहाँ पर ये घोल बन के एकदम तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। तो ये देखिए इतनी देर में यहाँ पर आटा भी रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से आटा जो है सेट हुआ है। तो निकाल लेते हैं हम इसको एक चकले के ऊपर और बस इस तरीके से थोड़ा सा मसल लेते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मसलिएगा ताकि जो आटा है वो और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जितना सॉफ्ट होगा आटा उतनी बढ़िया जो है पैटीज़ की शीट बनेंगी। तो यहाँ पर आटा हमारा ये रेडी है, अब हम लोई काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ चाकू से इस तरीके से लोई, इक्वल लोई निकल जाती है इससे, ये बहुत ही आसान तरीका होता है। तो बस इस तरीके से सारी लोइयाँ निकाल लीजिए और अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हम फटाफट से यहाँ पर पैटीज़ की शीट तैयार कर लेते हैं। तो मैदा डस्ट कर दिया है मैंने चकले के ऊपर और अब हमें इसे एक रोटी का शेप देना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना उस तरीके से। बस शीट का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ना तो थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। अजवाइन का मैं बताती हूँ यहाँ पर कि अजवाइन हमें ज़्यादा इसलिए नहीं डालना होता है क्योंकि जब हम रोटी बेलते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा अजवाइन होने के कारण शीट फटने का डर रहता है, या फिर तलते हैं या बेक होता है उस समय भी शीट फटने का डर रहता है, जिससे कि सारा मसाला जो है बाहर निकल जाता है। तो इसलिए जो है अजवाइन कम ही डालनी चाहिए। तो एक शीट बनके तैयार हो गई है, इसी तरीके से हम सारी शीटें तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अच्छे से हमारा आटा लगा है। एक अच्छा खस्ता परतेदार पैटीज बनाने के लिए सारा जो है काम हमारे आटे पर डिपेंड होता है। अगर आटा आपने बहुत अच्छे से लगाया है तो पैटीज भी हमारी बहुत अच्छे से बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी शीट ये रेडी कर ली है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल शीट बनी है मेरी 7। तो 7 शीटें मैंने बना के तैयार की हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब हमने जो ये शीट बनाई है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम घोल जो हमने कॉर्नफ्लावर और घी का घोल तैयार किया था। देखिए इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर कि जो हमारा ये तरीका है बहुत ही आसान तरीका है बिना झंझट के, अदरवाइज जब पेटीज़ बनती है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा झंझट होता है क्योंकि इसमें कम से कम 1 घंटे का प्रोसेस लगता है डो ही डो में। पहले उसको हमें ऐसे रखना होता है, फिर मसलना होता है, फिर उसे पैक करके हमें फ्रिज में रखना होता है, फिर वापस हमें उसको फिर गूँथना होता है, फिर रखना होता है। इस तरीके से 1 घंटे तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है। तो यहाँ पर मैंने घोल लगा लिया है, दूसरी शीट भी हम बिल्कुल इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और उसके ऊपर भी हम इस घोल को अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे से रखना है ये घोल, ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। फिर थोड़ा सा हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और अगली जो शीट है उसको भी हम इसी तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए ध्यान रखिएगा कि घोल में बिल्कुल भी कमी ना हो और इस तरीके से हम यहाँ पर सारी जो है शीटें तैयार कर लेंगे। तो ये जो है अब लास्ट वाली मैंने शीट रख दी है और इसके ऊपर जो जितना भी बचा हुआ हमारा ये घोल है उसको लगा देते हैं और उसके बाद अब हम इसको रैप करेंगे। अब रैप करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम शीट को रैप करें तो वहाँ पर हमको जो शीट है बहुत ही टाइट से रैप करनी है। देखिए इस तरीके से हम लेंगे और इसे रोल करते जाएंगे एकदम टाइट से, बिल्कुल बीच में गैप ना आए, ईयर ना बने इसकी, नहीं तो फिर जो है आपकी पैटीज़ बहुत अच्छे से नहीं फूलेंगी। तो बस इस तरीके से बहुत ही अच्छे से टाइट से रैप कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारी पूरी शीट हो गई है रैप। अब हम इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरीके से हम चकले पे ही इसको रोल कर देते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा ये मोटा था, तो ये रोल को हम थोड़ा सा अब यहाँ पर पतला करते हैं। अब हम रोल के पीसेस अलग अलग कर लेते हैं। तो जो रोल के साइड वाले एक्स्ट्रा पार्ट हैं सबसे पहले हम उसको निकाल देंगे और उसके बाद हम इसके पीसेस निकालेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि पीसेस बहुत ध्यान से कट करिएगा, चाकू से बिल्कुल भी प्रेशर दबा के मत काटिएगा क्योंकि इसके अंदर जो लेयर बनी है ना वो डैमेज हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो जैसे आरी चलती है ना बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके पीसेस कट करेंगे ताकि जब
पैटीज़ बेक हो तो उसके बाद एकदम लेयर वाली पैटीज़ हमारी निकले। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी लेयर सेफ है अंदर से। तो अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। अब जो हमने पीसेस अलग करके रखे थे ये देखिए इस तरीके से सेंटर में रखेंगे और हथेली से हम उसको दबा के फ्लैट कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा हम करेंगे डस्ट मैदा और उसके बाद बेलन चलाएंगे। ध्यान रखिएगा रोटी पे बेलन आपको इस तरीके से चलाना है ताकि जो है इसके लेयर ख़राब ना हो। तो बहुत ही हल्के हाथ से हमें रोटी को बेलना है, एक पतली सी शीट बना के तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोई बहुत छोटी है ये वाली। तो बस इस तरीके से हम एक शीट बना के तैयार कर लेंगे। तो सारी शीटें हमें इसी तरीके से तैयार करनी है। अब जो हमने ये शीट तैयार करके रखी है इनकी साइड्स हमें अलग करनी है। तो या पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए या फिर चाकू, उससे इस तरीके से इसकी थोड़ी थोड़ी साइड्स अलग निकाल लीजिए तो हमें क्या एक स्क्वायर शेप में शीट मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फिलिंग हमने रेडी की थी उस फिलिंग को हमें रखना है ट्रायंगल शेप में। देखिए या तो आप ट्रायंगल शेप में बना लीजिए या स्क्वायर, जो भी आपको पसंद हो। इसमें थोड़ा सा हम लगाएंगे पानी और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और साइड्स हम चिपका देंगे, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम लेंगे फॉक और फॉक से अच्छे से पेस्ट कर देंगे ताकि बेक होते हुए जो है हमारी पैटीज खुले ना। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसका साइड्स दबा दीजिए, ये देखिए, और ये हमारी तैयार हो गई एक सुंदर सी प्यारी सी आलू पैटीज बनी। इसी तरीके से हम सारी पैटीज तैयार कर लेते हैं, बस सेम प्रोसेस है। बस ध्यान रखिएगा कि पैटीज को जो है बहुत अच्छे से पेस्ट करिएगा, नहीं तो इसका पूरा मसाला निकल जाएगा बाद में बेक होते हुए। तो बस ये हमारी सारी पैटीज यहाँ पे बनके रेडी है। तो ये लीजिए हमारी ये पैटीज रेडी है यहाँ पर। अब हम पैटीज बना रहे हैं, माइक्रोवेव में बेक कर रहे हैं। तो कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए हमें अपने माइक्रोवेव को यहाँ पर प्रीहीट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस, क्योंकि अगर आपने प्रीहीट नहीं किया तो पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पैटीज़ को बेक होने में, और दूसरा जो है पैटीज़ बहुत अच्छे से बेक नहीं होंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने प्रीहीटिंग के लिए लगा दिया है ओवन को। जब तक माइक्रोवेव हमारा प्रीहीट होता है तब तक हम बेकिंग ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डाला है मैंने तेल, तेल या घी से बहुत अच्छे से ग्रीस करना है बेकिंग ट्रे को, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो नीचे जो है पैटीज चिपक जाएंगी बिना तेल के। उसके बाद हमें पैटीज़ को प्लेस करना है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा गैप गैप में ही हम रखेंगे क्योंकि ये अभी फूलेंगे, अच्छा फूलते हैं बेक होते हुए। तो बस इस तरीके से मैंने सारी प्लेस कर दी है। आप चाहें तो आप यहाँ पर इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बस तेल ले लीजिए और हाई फ्लेम पे इसको, जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो डीप फ्राई कर लीजिए। बस दिक्कत ये होती है कि उसमें तेल बहुत ज़्यादा इनके अंदर भर जाता है तो वो ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होता और टेस्टी भी नहीं होता खाने में। तो बस इस तरीके से अब हम दूध अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। देखिए आपने देखा होगा मार्केट वाली जो पैटीज़ होती है उनका बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर आता है, वो इसी के कारण होता है गोल्डन कलर, क्योंकि उसके ऊपर दूध अप्लाई होता है। तो जब ये दूध इसके साथ बेक होता है तो बहुत ही एक सुनहरा सा कलर देता है। तो यहाँ पर मैंने दूध अप्लाई कर दिया सारी पैटीज़ में, तो ये पैटीज़ हमारी बेक होने के लिए एकदम तैयार है। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है, तो हम जो मिडल रैक आती है ना माइक्रोवेव के साथ उसको रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे अपनी बेकिंग ट्रे को। उसके बाद हम डोर को करेंगे बंद और 180 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड पे ही, ध्यान रखिएगा हमें 25 मिनट का टाइम सेट करना है और उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए टाइम और टेम्परेचर डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव पे। मैं हर एक रेसिपी में आपको बताती हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइमिंग का फ़र्क आ सकता है। अगर आपको लगता है कि थोड़े से ये कच्चे हैं अभी नहीं हुए हैं तो आप उसमें 5-10 मिनट का टाइम और सेट कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज का भी फ़र्क आता है। टाइम पूरा हो चुका है तो फटाफट से हम निकाल लेते हैं माइक्रोवेव से यहाँ पर पैटीज गर्मा गर्म। ध्यान से निकालिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होता है यहाँ पर ये ट्रे, और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया बहुत अच्छे से बेक हुई हैं पैटीज, क्योंकि टाइम मेरा जो है माइक्रोवेव 25 मिनट का लेता है, 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाती है दोनों तरफ से। तो आपको देखने में ही लग रहा होगा कि कितनी बढ़िया खस्ता और एकदम क्रिस्पी यहाँ पर हमारी पफ पैटीज बनके तैयार हो गई है। तो ये लीजिए रेडी हो गई हमारी यहाँ पर करंची क्रिस्पी और एकदम खस्ता पफ पैटीज। तो देखा आपने कितना आसान था इसको बनाना, आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बस फटाफट से वीडियो देखिए और जाइए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे रेसिपी को तब तक आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा।
तो ये है हमारी यहाँ पर एकदम मार्केट स्टाइल पफ पैटी। अब मैं यहाँ पर आपको एक पैटी चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनी हुई है, आवाज़ सुन सकते हैं आप इसकी, एकदम बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी और एकदम खस्ता यहाँ पर हमारी पैटीज़ बनके तैयार हो गई है। ये देखिए फिलिंग भी एकदम परफेक्ट है, लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी हम मार्केट से लेके आते हैं। और ये देखिए क्रश कितना आसानी से हो रहा है, ये देखिए ये पहचान है इसकी। तो आप बनाइए इसको, ट्राई करिए और बिल्कुल इसी तरीके से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आप जो है इसी तरीके की पैटीज़ घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और उसके बाद अपना जो फीडबैक है मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपकी पैटीज़ कैसे बनी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी जो है मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।